भगवान हर जगह नहीं होता है। पता है, इसीलिए तो उसने माँ बनाई। जीना 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 रे उड़ा गुलाल, माई तेरी चुनरिया लहराए। जीना 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 रे उड़ा गुलाल, माई तेरी चुनरिया लहराए। अपनी के आंसू सहारा, माँ की यादें यादों का सहारा। ओ यारी दा एहसास हमेशा दिल विच जिंदा रहेगा। आज अपनी इस कब्र के सामने फूट फूट कर रो रही है और ये कब्र किसी और की नहीं अपनी की माँ की है। एक लंबी लड़ाई लड़ने के बाद आज नील और अवनी की जिंदगी में सब कुछ ऑल इज वेल है, लेकिन कमी है तो सिर्फ माँ की, जिन्हें याद कर आज अवनी इमोशनल हो रही है। क्योंकि मैं बहुत इमोशनल हूँ तो मैं बहुत जल्दी रो देती हूँ, सो इसलिए मुझे कुछ भी बुरा लगता है, याद आता है तो मैं रो देती हूँ। हमेशा की तरह इस बार भी नील ने अवनी को सहारा दिया, लॉकेट दिखाकर कहा कि आज हमारी दोनों माएं साथ साथ हैं और खुश भी हैं। अवनी को दिलासा देते नील आज अपनी दुल्हनिया अवनी का दुख बांट रहा है। हाँ करेक्ट, एब्सोल्युटली। आई मीन इनको बस मौका चाहिए होता है, कभी भी रो देती हैं शो में। आई थिंक ज़्यादा सीरियस में होता ही है कि लड़कियाँ ज़्यादा रो रही होती हैं, और यहाँ तो लड़का भी साथ में रो रहा होता है, क्योंकि बीवी रो रही है तो हस्बैंड भी रो रहे हैं। तो ऑफकोर्स इस सीन में मैं इसे कंसोल करने की कोशिश कर रहा हूँ, कि बता रहा हूँ कि तुम्हारी जो मॉम है वो हमेशा तुम्हारे साथ में रहेंगी, जो आयशा मॉम मर चुकी हैं, बट एज अ मदर शी इज़ ऑलवेज मॉनिटरिंग यू फ्रॉम अबव। और नीचे नीला मॉम है जो कि ऑलरेडी बहुत खुश हैं नाउ, सब सारी नेगेटिविटी जब हट गई है। तो नील और अवनी के जिंदगी में कभी खुशी कभी गम वाला दौर चलता ही रहा। दरअसल शो में आने वाला है लीप, जिसके बाद नील और अवनी माता पिता बन जाएंगे और इनके घर आएगा एक नन्हा मेहमान। अब देखना ये होगा कि सब कुछ ऑल इज वेल हो जाने के बाद, दहवंती का डर खत्म हो जाने के बाद, अवनी की कोख से होने वाला बच्चा अवनी का होता है या फिर नील के पहले प्यार जूही का, और क्या नील और अवनी के बीच सब ठीक चलेगा, ये देखना होगा बड़ा ही दिलचस्प। आज तक ब्यूरो।